दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ अलग लेकर आई हूँ। अक्सर हमें शाम को कुछ चटपटा खाने का मन करता है, लेकिन हम चटपटे के चक्कर में कुछ अनहेल्दी खा लेते हैं, जिससे हमारा पेट बिगड़ जाता है। इसलिए आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा शाम का नाश्ता लेकर आई हूँ जो चटपटा भी है और साथ साथ हेल्दी भी है। तो चलिए देख लेते हैं इसे तैयार कैसे करें। इसके लिए आपको अंकुरित चना चाहिए होगा। अब ये अंकुरित चना तैयार कैसे करें? इसके लिए आपको चने को रात में पानी में भिगोकर रख देना है। सुबह में चने को पानी से छानकर एक कपड़े में बांधकर घर में कहीं टांग दें। आपको इसे 2 दिन तक रखना है, बीच बीच में इस पर पानी छिटते रहें। 2 दिनों के बाद यह कुछ ऐसा दिखने लगेगा। चलिए अब इसे तैयार करते हैं। इसमें 1 चम्मच सरसों तेल डाल लें, 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। चलिए अब इसमें 1 कटा हुआ प्याज डाल लेते हैं, 2 कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ नींबू निचोड़ कर डाल लें। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 छोटी चम्मच काला नमक। बीच बीच में इसे मिक्स करते रहें। कुछ बादाम के टुकड़े, 1/2 कटोरी चूड़ा यानी पोहा। ध्यान रहे दोस्तों, इस चूड़े को आपको भूंज लेना है बिना तेल के। 1/2 कटोरी सेव, सेव यहाँ पर हम इसलिए डाले हैं ताकि इसका स्वाद और बढ़ जाए। सेव डालकर इसे मिक्स कर लें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्ते।